बात बहुत पुरानी है, जब कौशलपुर राज्य में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था वीरभद्र और दूसरे का नाम था चंद्रसेन। वीरभद्र एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रसेन एक सैनिक था जो कौशलपुर राज्य की सेना में काम करता था। दोनों में ही बड़ी गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूरा कौशलपुर राज्य जानता था कि वे दो शरीर और एक जान है। एक समय ऐसा हुआ कि कौशलपुर राज्य के पड़ोसी राजा ने कौशलपुर पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। चंद्रसेन बड़ी ही वीरता के साथ लड़ा और कई शत्रु सैनिकों को मार डाला, परंतु शत्रु देश की विशाल सेना के आगे कौशलपुर राज्य की सेना के पांव उखड़ने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कौशलपुर का राजा युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके युद्ध से भागते ही कौशलपुर की सेना भी हार गई। कौशलपुर के कुछ सैनिक जो जीवित बचे थे उन्हें शत्रु देश के राजा ने बंदी बना लिया। चंद्रसेन भी उन्हीं बंदी बनाए गए सैनिकों में से एक था। शत्रु राजा का अब कौशलपुर राज्य पर कब्जा हो चुका था। उसका नाम था विजय प्रताप। विजय प्रताप ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कौशलपुर पर कब्जा किया था, इसीलिए उसने कौशलपुर की जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। वहां की जनता भी उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पहले वाला राजा युद्ध छोड़कर कहां भाग गया इस बात का किसी को मालूम नहीं था। अपने नए राज्य की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए राजा ने नए मंत्री नियुक्त किए। इसी काम में उसे 3 महीने का समय लग गया। अब नए राज्य में परिस्थितियां सामान्य होने लगी थीं। इसी दौरान 3 महीने के बाद राजा को युद्ध में बंदी बनाए गए शत्रु सैनिकों का ख्याल आया। क्योंकि चंद्रसेन बड़ी ही बहादुरी से लड़ा था, इसीलिए राजा को वो अच्छी तरह से याद था। तब राजा विजय प्रताप ने सोचा, यदि उस जैसा बहादुर और जाबाज सैनिक जिंदा रह गया तो वह किसी भी समय हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए उचित यही होगा कि उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सोचकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि चंद्रसेन नाम के उस बहादुर व्यक्ति को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जिसने युद्ध के मैदान में हमारे सैकड़ों सैनिकों को मारा था। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, एक बात और, उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले हमें अवश्य ही खबर की जाए, स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फांसी की तैयारियां पूरी करने के बाद जब चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो सेनापति ने राजा को खबर भिजवा दी, और खबर मिलते ही राजा भी वहां पर आ पहुंचा। तब राजा ने चंद्रसेन से कहा, ऐ सैनिक, हम सच्चे मन से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि तुम तलवार की तरह खतरा बनकर हमारे सिर पर लटकते रहो, इसीलिए हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं। परंतु क्योंकि तुम एक बहादुर इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हारी अंतिम इच्छा भी जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो हमसे कहो। राजन, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच में रहूं। उसके बाद यदि मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा तो मुझे कोई दुख ना होगा। राजा ने कहा, हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूरी कर देंगे। यदि तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बदले अमानत के रूप में हमारे पास रहने को तैयार हो। परंतु अभी राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक पहरेदार आया और उसने कहा, महाराज, एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे यहाँ पर ले आऊं। कौन है वो? महाराज, उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी देश का वासी है और स्वयं को फांसी पर चढ़ने वाले इस व्यक्ति का मित्र बताता है। ओह, जाओ उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार के जाने के बाद राजा ने चंद्रसेन से कहा, सैनिक, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो ऐन मौके पर तुम्हारा कोई मित्र तुमसे मिलने चला आया। यदि वह तुम्हारे स्थान पर
बंधक बनने को तैयार हो जाता है तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगले ही पल वीरभद्र को वहां पर लाया गया। तब राजा ने वीरभद्र से कहा, क्यों वीरभद्र, ये आदमी तुम्हारा मित्र है? हाँ राजन, ये मेरा मित्र है और मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारा मित्र मरने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के बीच रहने की इच्छा रखता है, लेकिन कहीं अगर ये वापस लौटकर ना आए, इसीलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई इसके बदले में हमारे पास बंधक के रूप में रहे तो हम इसकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर सकते हैं। तब वीरभद्र ने कहा, महाराज, तब तो आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। अपने मित्र के बदले में मैं आपके पास बंधक के रूप में रहने को तैयार हूँ। एक बार फिर से सोच लो भले मानस, यदि ये वापस लौटकर ना आया तो शर्त के मुताबिक तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है राजन, और मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। अब आप इसे छोड़ दीजिए और मुझे बंदी बना लीजिए। ठीक है। राजा ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। तुम 7 दिन तक अपने परिवार के बीच में रह सकते हो, लेकिन यदि 8वें दिन तुम दिन चढ़ने तक यहाँ पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रसेन को छोड़ दिया जाए और वीरभद्र को बंदी बना लिया जाए। आजाद होते ही चंद्रसेन ने अपने मित्र को गले से लगा लिया। चंद्रसेन ने कहा, मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता ना करना, मैं 7वें दिन वापिस लौट आऊँगा। और वीरभद्र ने कहा, लेकिन मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम लौट कर वापिस ही ना आओ। जाओ, अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों मित्र एक दूसरे से विदा हुए, फिर सैनिक वीरभद्र को लेकर बंदी गृह की ओर चले गए और चंद्रसेन राजा के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिया। इधर वीरभद्र को बंदी गृह में डाल दिया गया था और उधर चंद्रसेन अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे देखकर उसे बड़े ही प्रसन्न हुए। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर पत्नी के चेहरे पर छाई प्रसन्नता उदासी में बदल गई। तब चंद्रसेन ने कहा, मैं जानता हूँ प्रिय, कि इस समय तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे 7 दिन के बाद लौटना ही होगा, वरना मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरी बात मानिए तो आप वापस लौटने का विचार छोड़ ही दीजिए। आपका मित्र तो अभी कुवारा है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। यदि वो फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। जबकि अभी पत्नी की बात पूरी नहीं हुई थी, चंद्रसेन गुस्से में चिल्लाकर बोला, मूर्ख स्त्री, आइंदा ऐसी गंदी बात अपनी जुबान से निकालना भी मत। बेशक मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन तुम्हारा पति होने के साथ साथ मैं उसका मित्र भी हूँ और मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ओह स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसके बाद एक एक करके दिन बीतने लगे, क्योंकि चंद्रसेन मरने से पहले सारी जमीन जायदाद, हिसाब किताब और हर आवश्यक काम निपटा लेना चाहता था, इसीलिए वह दिनों की गिनती भूल गया और उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर इस संबंध में नहीं बताया और इस चक्कर में 7वां दिन भी बीत गया। लेकिन 8वें दिन सुबह उठते ही चंद्रसेन को राजा की चेतावनी याद आ गई और वह सोचने लगा, हे भगवान, मैं तो भूला ही बैठा था कि आज राजा के पास सूर्य चढ़ने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। आज ही तो 8वां दिन है। और फिर आगे की कल्पना करते ही उसका रोम रोम कांप उठा। फिर बिना एक भी पल को नष्ट किए वह बाहर की ओर भागा और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरे मित्र को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यदि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे फांसी पर लटका दिया गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वो तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को तूफानी गति से राजा के महल की ओर दौड़ा दिया। उधर वीरभद्र को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थी।
तब राजा ने वीरभद्र से कहा, क्यों वीरभद्र, क्या तुम्हें अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है? हाँ राजन, मुझे अभी भी अपने दोस्त और दोस्ती पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वह वक्त पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वह उसका मार्ग रोक ले और उसे किसी भी हालत में यहाँ पर पहुँचने ना दे। तुम मूर्ख हो वीरभद्र, अब वह नहीं आने वाला। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने दोस्त को यानी तुम्हें मौत पर न्योछावर कर दिया। वह तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि धोखेबाज दोस्त है। खामोश हो जाइए राजन, मैं अपने मित्र के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ राजन, अपने जल्लाद से कहिए कि वो अपना काम करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्लाद चढ़ा दो इसे फांसी पर, ताकि इस मूर्ख की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और दोस्ती का दम भरने वाले लोगों को इससे सबक मिले। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम बढ़ाया, तभी चंद्रसेन वहां पर आ पहुंचा और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। चंद्रसेन ने कहा, वीरभद्र मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मेरे दोस्त, तुम लौटकर क्यों आए? अरे पगले, तो क्या लोगों को और राजा को ये कहने का मौका देता कि दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है। राजन, मैं आ गया हूँ, अब आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मुझे आपसे कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं है। तब वीरभद्र ने कहा, नहीं महाराज, जो वक्त आपने दिया था उस वक्त तक यह नहीं लौट पाया, इसीलिए शर्त के मुताबिक आप मुझे ही फांसी पर चढ़ाइए। वीरभद्र ने सूर्यसेन से कहा, तुम लौट जाओ मित्र, तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने का किसी को कोई दुख नहीं होगा। ये सुनकर चंद्रसेन ने कहा, ये तुम कैसी बातें करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं? क्या मुझे तुम्हारी मौत का जरा भी दुख नहीं होगा? अरे दोस्त, तुम्हारी जुदाई से तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे दोस्त को लोग स्वार्थी, धोखेबाज, नीच और कमीना कहें? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो चंद्रसेन। उनकी बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, ओह, ऐसी सच्ची मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। दोनों एक दूसरे की जान बचाना चाहते हैं और अपने आप को दोस्ती पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। धन्य हैं ये दोनों दोस्त। परंतु तभी राजा के मन में एक दूसरा विचार आया, नहीं, शत्रु सैनिक के लिए ऐसी हमदर्दी ठीक नहीं है। राजा विजय प्रताप असमंजस में पड़ चुके थे। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, आज फांसी नहीं दी जाएगी, मैं आदेश देता हूँ कि इस किसान वीरभद्र को छोड़ दिया जाए और सैनिक चंद्रसेन को कारागार में डाल दिया जाए, इसे आज से चौथे दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने वीरभद्र को महल से बाहर कर दिया और चंद्रसेन को फिर से 4 दिन के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा महल में लौटकर आए। उस रात राजा को नींद नहीं आई, वो सारी रात चंद्रसेन के बारे में ही सोचता रहा। सुबह के समय राजा विजय प्रताप की पत्नी यानी महारानी ने कहा, क्या बात है महाराज, आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब राजा ने चंद्रसेन का सारा किस्सा रानी को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, मैंने भी उस वीर शत्रु सैनिक के बारे में सुना है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने कहा, रानी, 3 दिन बाद उसे फांसी दे दी जाएगी, इससे पहले तुम जब चाहो उससे मिलने जा सकती हो। अगले दिन संध्या के समय रानी चंद्रसेन से मिलने कारागार में गई। उस समय कारागार में रानी और सिर्फ चंद्रसेन ही थे। रानी के आदेश पर सभी सिपाही बाहर जा चुके थे। तब रानी ने कहा, सुनो चंद्रसेन, मैंने तुम्हारी वीरता के बारे में सबसे सुना है कि कैसे तुमने अकेले ही हमारे कई सिपाहियों को मार डाला था। हम तुम्हारी वीरता की कद्र करते हैं, परंतु अब तुम मौत के शिकंजे में खड़े हो, यदि तुम चाहते हो
तो मैं इसी समय तुम्हें यहां से निकलवा सकती हूं। चंद्रसेन हैरानी से सब बातें सुन रहा था। रानी ने आगे कहा, चंद्रसेन यदि तुम्हारे जैसा बहादुर मेरी सहायता करने को तैयार हो जाए तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकती हूँ और तुम भी यहाँ से आजाद हो सकते हो। वो कैसे महारानी जी? चंद्रसेन तुम्हें हम आजाद करवा दें तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम रानी जी? तुम्हें महाराज विजय प्रताप की हत्या करनी होगी, क्योंकि मैं उन्हें हटाकर राज्य की सारी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और फिर अपने प्रेमी राजा सूर्यकरण से विवाह कर लूंगी और तुम्हें अपना सेनापति बना लूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे जैसा बहादुर आदमी इस काम को आसानी से कर सकता है। जब महाराज महीने में एक बार अकेले कुल देवी के मंदिर में जाते हैं तब तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। रानी की बातें सुनकर चंद्रसेन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, नहीं रानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। परंतु क्यों? राजा विजय प्रताप तो तुम्हारे शत्रु है ना? महारानी जी, वो मेरे शत्रु तभी तक थे जब मैं रणभूमि में उनके विरुद्ध लड़ रहा था, परंतु अब नहीं। इसके तीन कारण हैं। पहला ये कि यदि वो चाहते तो युद्ध खत्म होते ही मुझे मरवा सकते थे, परंतु उनकी दया के कारण मैं 3 महीने तक और जिंदा रहा और तब तक उन्हीं का अन्न खाता रहा हूँ। चाहते हुए भी अब मैं उनके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे अपने परिवार से मिलने दिया। अगर मैं मरने से डरता तो शायद वापस लौटकर नहीं आता। और तीसरा कारण ये है कि कौशलपुर की जनता ने भी अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अब उनकी हत्या करना राजद्रोह कहलाएगा। अब वे चाहें तो मुझे मारें या छोड़ दें, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रसेन की बात पूरी होते ही कारागार में राजा विजय प्रताप ने प्रवेश किया। उन्हें देखकर चंद्रसेन हैरान था, परंतु रानी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तब राजा ने कहा, चंद्रसेन तुम एक सच्चे मित्र हो और एक बहादुर और वचन के पक्के इंसान भी हो। रानी ने अभी अभी जो भी बातें तुमसे कही हैं वो सब हमने ही उन्हें सिखाई थी। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और हमारी परीक्षा की कसौटी पर तुम बिल्कुल खरे उतरे। चंद्रसेन तुमने अपनी आज़ादी के बदले में हमारी हत्या करने का प्रस्ताव ठुकरा कर ये सिद्ध कर दिया तुम एक वीर और वचन के पक्के इंसान हो। हम आदेश देते हैं कि तुम्हें कारागार से रिहा कर दिया जाए और यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में नौकरी कर सकते हो। राजा का निर्णय सुनते ही चंद्रसेन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। अगली सुबह चंद्रसेन को कारागार से रिहा कर दिया गया। वह अपने परिवार के साथ फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा और साथ ही उसकी और वीरभद्र की मित्रता जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनी रही।